मासूमा जिशान, मासूमा यहाँ नहीं है। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, वो जालिम मासूमा को उठाकर ले गई। मैं तो पहले ही कहती थी कि जादूगरनी आबिदा डाइन है, डाइन। तुमने उससे शादी नहीं की, वो इसका बदला ले रही है। पहले उसने अम्मी जान को मार दिया, फिर अब्बा जान की जान ले ली, और अब वो मासूमा को उठाकर ले गई है। इस बर्बादी और कत्ल खून की जिम्मेदार मैं हूँ, मैं कातिल हूँ। आबिदा को नहीं, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे। मौत के हमसफर सोफो नज़्मा के शौहर ज़ीशान, ये बताओ, जब तुम अपने छोटे भाई इमरान के साथ अपनी बहन मासूमा की तलाश करने के लिए बुजुर्ग आमिले कामिल रशीदी और उनकी पाक दामन बेटी आबिदा के घर पहुंचे, तो क्या तुम्हारी छोटी बहन मासूमा वहां मिली? नहीं अमीरुल मोमिनीन, नहीं। अगर मैं वहां तक पहुंच जाता तो बाकी बर्बादी से बच जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मैं और इमरान आबिदा के घर पहुंचने से पहले ही कैद हो गए अमीरुल मोमिनीन। कैसे कैद हो गए? ये बताने के लिए मुझे जरा तफसील बतानी होगी। मैंने अपनी कहानी में यह भी सुना था कि जब मेरी बीवी सोफो निज़्बा ने अपने 21वें शौहर जादूगर सपेरे को शादी की रात मारने की कोशिश की, तो जादूगर सपेरे ने शरारा गुल को मार डाला था, और उसकी लाश को जादूगरनी मरिखा ने जादूगर सपेरे से छीन लिया था। लेकिन इन 20 सालों में जादूगर सपेरे ने अपनी जादुई ताकत जादूगरनी मरिखा से और ज्यादा बढ़ा ली थी, और जब उसे मालूम हुआ कि शरारा गुल का मुर्दा जिस्म जिंदा हो गया, तो वो शरारा गुल का जिंदा जिस्म मांगने के लिए जादूगरनी मरिखा के पास गया। तो क्या वो जिंदा लाश सोफो निज़्बा को यह सब मालूम था? मालूम था, मालूम था हुजूर अमीरुल मोमिनीन, मालूम था। जादूगरनी मरिखा ने उस जादूगर सपेरे को समझाया कि तेरी बीवी सोफो निज़्बा और शरारा गुल की जिंदा लाश तुझे मिल जाएगी। कब मिलेगी मुझे मेरी बीवी की जिंदा लाश, जल्दी बता, वरना मैं तेरी लाश को नागिन बनाकर सांपों के बील में कैद कर दूंगा। करता हूं तुझे कैद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरी बीवी शरारा गुल की जिंदा लाश मैं तुझे दे दूंगी। लेकिन उससे पहले तू ज़ीशान और इमरान को मासूमा की तलाश में आबिदा के घर जाने से रोक दे। क्यों रोकूं? इसलिए कि मैंने अभी तक मासूमा की लाश को आबिदा के घर में छुपाया नहीं है। मैं और सोफो निज़्बा दोनों ये चाहती हैं कि इस खून का इल्जाम भी आबिदा के सर पर आ जाए। क्यों? बदला लेने के लिए। कैसा बदला? आमिल और आबिदा ने एक बदरूह डाइन का जिस्म अपने पाक रूहानी जलाली इल्म से जला दिया था। मैंने उस भटकती हुई रूह को तेरी बीवी शरारा गुल की लाश में दाखिल करा के उसे एक नया जिस्म दिया। अब हम दोनों आमिल और आबिदा उनसे ताल्लुक रखने वाले लोगों का खून कर रहे हैं और अपना बदला ले रहे हैं। इसीलिए मैंने आबिदा की जगह बदरूह शरारा गुल सोफो निज़्बा की शादी ज़ीशान से करा दी। तू ज़ीशान को कैद कर दे ताकि वो सोफो निज़्बा से जल्दी ना मिल सके, और तू सोफो निज़्बा से मिलकर ये वादा ले ले कि वो अपना बदला पूरा होने के बाद तेरे साथ चली जाएगी। ठीक है, ऐसा ही करता हूं। Thank you.
क्या बात है भाईजान? क्या बात है भाईजान? आबिदा बहन गजब हो गया। क्या हुआ? आम के पेड़ पर बैठा हुआ जादूगरनी का मनहूस तोता अपने दोस्तों से कह रहा था कि जिशान और इमरान कैद हो गए। कैद हो गए? कैसे कैद हो गए? किसने कैद किया? शरारा गुल के 21वें शोहर जादूगर सपेरे ने। 21वां खाविन जादूगर सपेरा? शरारा गुल, कातिल शौहर, मकतूल बीवी। मगर तू यहाँ क्यों आया है? तुझे लेने आया हूँ, अपनी बीवी को लेने आया हूँ। मैं जिशान की बीवी हूँ। जिशान से पहले तू मेरी बीवी थी। जिस बीवी को तूने शादी की रात ही मार दिया था, वो बीवी ऐसे कातिल शौहर को अपना शौहर नहीं मानती। खूब 20 शौहरों का कत्ल करने वाली बीवी, जिसके हाथ और दांत खून से रंगे हुए हैं, उसे शरीफ बीवियों की तरह बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। तू मुझसे और मेरे जादू से डर? तू मुझसे डर? तू? अब मैं सिर्फ शरारा गुल ही नहीं, मुझ में बदरूह डाइन की भी ताकत है। मैं तेरे जादू की परवाह नहीं करती। परवाह करनी होगी, वरना तेरा ये बदला लेने का इरादा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ जादूगर सपेरा ही नहीं बल्कि जादूगरों का शहंशाह साहिर आजम बन गया हूँ। ये देख, मैं अभी तुझे नागिन बनाकर सांप के बिल में कैद कर देता हूँ। जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगी, बस मेरा बदला पूरा होने दे, फिर मैं तेरे साथ चलूंगी। मैं वादा करती हूँ मैं तेरे साथ चलूंगी। लिख कर दे, अपने खून से लिख कर दे, अगर तूने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मैं तेरे खून से लिखा हुआ तिलस्मी खत तेरे सर पर रख दूंगा और तू जलकर राख हो जाएगी। अपने खून से लिख कर दे और इकरार कर। मैं जिशान की बीवी सोफो निजबा इकरार करती हूँ कि अकरम और जिशान के माँ बाप और बहन का खून भी मैंने किया है। अब इमरान, जिशान और आमिल के साथ उसकी बीवी और बेटी आबिदा को मारने के बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा और मैं अपने आप को जादूगर सपेरे के हवाले कर दूंगी। अब मैं तेरे शौहर और देवर को आजाद कर देता हूं। भाईजान, ये मैं किसने कैद किया था, क्यों कैद किया था और फिर आजाद कर दिया, ये राज समझ में नहीं आया। ये सब कुछ आबिदा ने किया है इमरान, और अब मैं समझता हूँ कि हमें आबिदा के घर नहीं जाना चाहिए। हमें इस शहर बसरा के हाकिम आला के पास जाना चाहिए। वही शाही सिपाहियों को भेजकर आबिदा के घर जाएंगे और उसे पकड़ कर लाएंगे। ठीक है भाईजान, पहले हमें शहर बसरा के हाकिम आला के पास ही जाना चाहिए। चलो
शीशान और इमरान ब्रादरान, तुम्हारी फरियाद सुनकर हमें ताज्जुब हुआ। आमिले कामिल शहर की बड़ी मुअज्जिज़ हस्ती है और उनकी दुख्तर नेक अख्तर आबिदा भी अपने वालिद बुजुर्गवार की तरह ही खुदाई खिदमतगार है। तुम्हारी फरियाद सुनकर हमें यकीन नहीं आता कि इतने शरीफ अल्लाह वाले आमिल कत्लो खून जैसा संगीन जुर्म भी कर सकते हैं। हम उनके लिए एकदम गिरफ्तारी का हुक्म तो नहीं दे सकते, लेकिन कानून और इंसाफ इंसान की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। अगर आमिले कामिल और उनकी बेटी आबिदा के कातिल और मुजरिम होने के सबूत सही हैं, तो उन्हें जरूर सजा मिलेगी। कोई भी गुनाहगार इंसान कानून और इंसाफ से ऊंचा नहीं है, चाहे वो कितना ही इज्जत वाला क्यों ना हो। आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। फरियादी को शक है कि उसकी बहन मासूमा आपके घर में है। फरियादी का शक गलत भी हो सकता है, जरूर उसे किसी ने बहकाया है। वो तो हमारे घर आई ही नहीं। वो आई नहीं, बल्कि फरियादी का कहना है कि कल रात आप उसे उसके घर से उठाकर लाई हैं। कल रात की बात बिल्कुल गलत है। मैं तो मासूमा के घर बहुत दिन पहले गई थी। हमें अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। वैसे मेरे सिपाही तो घर की तलाशी ले ही रहे हैं। मासूमा की लाश यहाँ कैसे? गिरफ्तार कर लो, जंजीरें पहना दो आबिदा और आमिल को। या खुदा, सिपाहियों ले चलो इन्हें। चलो, हमने कुछ किया। दारोगा ए सिपाही, कार्रवाई शुरू की जाए। आबिदा बिन शेख, आमिले कामिल, रूहानी, साकिन बसरा, तुम पर इल्जाम है कि तुमने चार चार खून किए हैं। अकरम ताजिर, जिशान के माँ बाप और उसकी बहन का खून तुमने किया है, और इन तमाम कत्लों खून में तुम्हारा बाप आमिल भी शामिल है। ये इल्जाम मुद्दई जिशान अहमद बिन शेख नोमान अहमद जागीरदार ने तुम पर और तुम्हारे बाप आमिल पर यह इल्जाम आयद किया है। मुद्दे अलैह, इकरार या इनकार में जवाब दे। मैं इनकार करती हूँ, ये सब गलत है, गलत फहमी है। ये हम बेकसूर है, हम कातिल नहीं है। मैं भी इनकार करता हूँ, हम दोनों बेगुनाह हैं, हमने किसी का खून नहीं किया है। मुद्दई अपने इल्जाम की तफसील बयान करें। ऐ मुनसिफ आला, इस औरत आबिदा ने मेरे खानदान को बर्बाद किया, मेरे हरे भरे घर को उजाड़ा। घर मैंने नहीं, सोफो निज़्मा ने उजाड़ा है, और तुम्हारे खानदान को भी मैंने बर्बाद नहीं किया, सोफो निज़्मा ने बर्बाद किया है। ए आली दिमाग मुनसिफ, खुदा गवाह है, वो सब कत्ल खून मैंने नहीं, सोफो निज़्मा ने किए हैं, सोफो निज़्मा ने। कौन है ये सोफो निज़्मा? हुजूर, मेरी बीवी है सोफो निज़्मा। हुजूर, इस बर्बादी की बुनियाद है सोफो निज़्मा। ये झूठ है हुजूर। यही सच है हुजूर, यही सच है। हाँ हुजूर, ये सब सच है। आबिदा ने जो कुछ कहा है वो सच है। सोफो निज़्मा, क्या तुम इकरार करती हो सोफो निज़्मा? हाँ हुजूर अली,
आबिदा ने जो कुछ कहा है वो सब सच कहा है। मैं ही अपने शौहर की बर्बादी की बुनियाद हूं। अगर मोहतरम जिशान मेरे बजाय आबिदा से शादी कर लेते तो ये बर्बादी नहीं होती। पहले मेरे शौहर आबिदा से ही शादी करने वाले थे। दारोगा सिपाही, ये सच है हुजूर हाकिम आला। मेरी तहकीकात के मुताबिक जब जिशान ने आबिदा से शादी नहीं की तो ये आबिदा जिशान की दुश्मन बन गई। आबिदा ने मुझसे इंतकाम लिया, बहुत ही खौफनाक दर्दनाक खून से भरा हुआ इंतकाम। मेरी बहन के होने वाले शौहर को मार दिया। नहीं, ये झूठ है। बिल्कुल झूठ है। फिर आबिदा ने मेरी अम्मी जान को जख्मी करके मार दिया, जिसकी गवाह खुद मेरी बीवी है हुजूर। नहीं, ये भी झूठ है। फिर मेरे अब्बा जान की जान ले ली। नहीं, मैंने किसी की जान नहीं ली। हुजूरे आली, फिर भी इस बेरहम संगदिल आबिदा के हसद और जलन से भरे जलते कलेजे में ठंडक नहीं पहुंची, उसके इंतकाम की प्यास नहीं बुझी हुजूर, और उसने उस मासूम बहन मासूमा का खून बहाकर अपनी प्यास बुझाई। ये सब झूठ है, इल्जाम है ये सब। ऐ मुनसिफ हाकिम आला, असल मुजरिम कातिल सोफो नज़्मा है। इंसाफ के मुहाफिज, इंसाफ कर, यकीन कर मेरी बात का। सोफो नज़्मा एक बदरू डाइन है, उसे कहो मुझसे नजरें मिलाए, अभी मालूम हो जाएगा। नहीं हुजूर, मैं इससे नजरें नहीं मिलाऊंगी, ये जादूगरनी है, मुझे बेहोश कर देगी। हुजूर, ये गुनहगार कातिल है, इसका जिंदा सबूत हमारे पास है। हाँ हुजूर, इसका जिंदा सबूत है हमारे पास। हाजिर करो। नाजिर नाजिरा हाजिर हो। ये है वो जिंदा सबूत, चश्मदीद गवाह हुजूर, ये है। मगर ये तो अंधे हैं। हुजूर, इन्हें अंधा कर दिया गया। बताओ, तुम्हारी आंखों ने आखिरी मंजर क्या देखा, बताओ। हाँ बताओ, आबिदा मासूमा की लाश को लेकर अपने साथ जा रही थी। जब हमने उसे रोकने की कोशिश की, हम चिल्लाए, तो उसने हमारी आंखें फोड़ दी और हम दर्द और तकलीफ से बेहोश हो गए। बस बस, ये चश्मदीद गवाह बहुत है। दूसरे कत्ल खून का चश्मदीद गवाह कोई भी नहीं है, लेकिन मासूमा के खून के चश्मदीद गवाह ये दोनों यहां मौजूद हैं। और फिर मासूमा की लाश भी आमिल और आबिदा के घर से मिली है, लिहाजा इंसाफ का तकाजा है कि दोनों को सजाए मौत दी जाए। इसलिए खूनी कातिल बाप आमिल को अपनी कातिल बेटी का साथ देने के जुर्म में और आबिदा को कत्लो खून करने के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। यह जुल्म है, ऐ मुनसिफ हुक्मरा, ऐसा न कर, हमारी जिंदगी न छीन। मैं अल्लाह पाक की कसम खाकर कहती हूँ कि हम कातिल नहीं है, बेगुनाह है, बेकसूर है हम, हमें सजा ना दो। रहम कर, अल्लाह से डर, ऐ आदिल हाकिम आला, अल्लाह से डर, हमें सजा मत दे। जीशान, हमने हर कदम पे
तुझे और तेरे खानदान को बचाने की कोशिश की और उन नेकियों का ये बदला दे रहा है तू? हमें मौत की सजा मत दे, हम दोनों बेगुनाह हैं। तुझे खुदा का वास्ता, हमें मौत की सजा मत दे। दारोगा जिंदान, हुक्म हाकिम आला, इन्हें कैद खाने में बंद कर दो। परसों सुबह सूरज निकलते ही आमिल का सर कलम कर दो और आबिदा को जहर का प्याला पिलाकर मौत की सजा पूरी कर दो। जाओ, ले जाओ इन्हें। जो हुक्म हुजूर। सिपाहियों, पकड़ के डाल दो इन्हें कैद खाने में, ले आओ इन्हें। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।